ये है ग्रामोफोन, ग्रामोफोन पुराने जमाने का म्यूजिक सिस्टम डीजे। अच्छा। पुराने जमाने में ब्याह शादी में यही एक एंटरटेनमेंट का साधन यही हुआ करता था। इस तरह से ये चाबी भर के और अपन इस म्यूजिक सिस्टम को चलाएंगे आज। ये इस तरह से अपने को यहाँ पे रखना है इसको। क्या बात है, चलो सर एक बार सारा आप ये दिखा दो अपने आर्ट गैलरी। बिल्कुल आइए सर, यहाँ पे काफी तरह तरह के गिफ्ट आइटम आपको देखने को मिलेंगे, तो अपन यहीं से शुरुआत कर देते हैं। ये आप देखेंगे कि आटा चक्की बनी हुई है। पुराने जमाने में इस तरह की आटा चक्की हुआ करती थी, घरों में आटा पीसते थे इससे। अब तो मशीनें आ गई और बड़े शहरों में तो सीधा पैकिंग में आने लग गए आटा, तो पिसाई का कोई मतलब ही नहीं रहा। बाद बाकी पुराने जमाने में मेरा देखा हुआ है कि मेरी दादी जी सुबह जल्दी उठ के हमारे उठने से पहले पहले इस तरह की चक्की में और जितना एक दिन में आटा लगता था उतना आटा पीस लेती थी। इसके बाद में आप ये देखेंगे भाई साहब, ये चीजें सब लुप्त होती जा रही है, जिनको हम वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको तोरण बोलते हैं और ये ब्याह शादी में यूज होता है। जब दुल्हा दुल्हन के घर पे जाता है तो इस तरह का तोरण उसके घर के आगे उसके गेट के ऊपर लगाया जाता है। तो इसको हमने काफी खूबसूरती से बनाया है, पीकॉक बनाए हैं, ऊपर भी पीकॉक बैठे हैं, नीचे बैल लगाई है। तो इस तरह से ब्रास वर्क करके इसको तैयार किया गया है सजा के, और अपनी पुरानी जो रीति रिवाज है उनके हिसाब से इसको बनाया गया है। जी सर। इसके बाद में आप देखेंगे हुक्का, लकड़ी का हुक्का बना हुआ है छोटा सा, और ये वर्किंग है। सबसे बढ़िया बात है कि ये वर्किंग है, ड्राई चलेगा, इसमें पानी नहीं डलेगा, इस तरह से ये यूज आएगा सर। बहुत ही अच्छी चीज है। आजकल तो फ्लेवर वाला हुक्का आ गया, बाद बाकी ये भी बहुत अच्छी चीज है। और इसका प्राइस क्या रहेगा सर? ये 500 रुपए का पीस है। ये 500 रुपए का पीस है। हाँ, इसको लेना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी के साथ आप देखेंगे ये चीजें, मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी तरह का नशा ना करें, लेकिन फिर भी ये सब चल रहा है तो उसी के साथ हम जुड़े हुए। सिगरेट पाइप है, बहुत छोटी सी चीज है, यहाँ पे सिगरेट लगेगी और इस तरह से इसको यूज किया जाएगा इस तरह से। अच्छा, ऐसे लगाओगे? बिल्कुल। और बहुत ही सुंदर चीज बनी हुई है, तो दिखा दिया आपको। इसी के साथ में जब ये मैंने सिगरेट पाइप लगाया तो मेरे ध्यान में आ गया कि एक से एक चीज जुड़ी हुई। ये आप रिंग देखेंगे सर, ये रिंग आप दिखाइए दर्शकों को। ये जॉर्ज फिफ्थ है, अंग्रेजों के टाइम की, ये 4 आने 1/4 quarter आना बना हुआ है, 25 पैसे चांदी के। अच्छा। और इसकी फिर किसी ने रिंग बना दी और ये मेरे को मिली पुराने सामान के साथ, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसा माना जाता था कि ब्रिटिश काल में कभी भी सूर्यास्त नहीं हुआ करता था, उनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि चारों तरफ फैला हुआ था कि कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था उनके राज्य में। जी। तो इस तरह से इसको शुभ माना जाता है। मैं पहन रहा हूँ शौक से, मेरे को तो अच्छी लगती है, ये पहन रहा हूँ। और इसी के साथ आपको ब्रासलेट दिखाना चाहूंगा, ये एंटीक है, चांदी का बना हुआ है आप देखेंगे। और पहले सभी चीजें हाथ से बनती थी, हैंडमेड बनती थी, मशीन मेड नहीं हुआ करती थी। आप देखेंगे कितनी सुंदर नोब है इसको, इस तरह से अभी भी इसकी मतलब जो फिटिंग है वो कितनी शानदार। अच्छा, खुल जाता है सर? खोलने का तरीका बहुत अच्छा। बिल्कुल सर, पिन हटानी है बस, बहुत प्यारा। तो ये भी सेल में लगा हुआ है सर? मैं कुछ चीज यूज कर लेता हूँ फिर बेच भी देता हूँ, ऐसे मेरे पास काफी ब्रासलेट हैं, काफी हैं मेरे पास इस तरह के अलग अलग डिजाइन के। किस रेंज में सर? इसका थोड़ा वेट करके अपने को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, चांदी का? हाँ बिल्कुल, चांदी प्योर चांदी है। प्योर चांदी का है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए सर, नेक्स्ट अपन देखते हैं सर। ये वॉल क्लॉक है सर जी। ये पुराने जमाने में इस तरह की स्टेशन क्लॉक हुआ करती थी, रेलवे स्टेशन पे लगती थी, दोनों साइड से टाइम दिखाएगी, इसीलिए इसको स्टेशन क्लॉक बोलते हैं। और ये इसका सबसे छोटा साइज है। अच्छा। आप देखेंगे फिर इसमें काफी बड़े साइज भी हैं। अच्छा, दूसरी समय वही सेम में इधर? हाँ, सेम होती है इधर। एक तरफ तो इसमें रोमन में लिखा हुआ है। अच्छा। और इस तरफ से अपने इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में। तो और ये यहाँ से इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेल अंदर दो मशीनें लगी हुई है, दो सेल डलेंगे
और इस तरह से इसको हैंग कर दिया गया है और ये टंग रही है, बहुत ही अच्छी क्लॉक है। फिर इसके बाद अपन देखेंगे टेलीफोन। पुराने जमाने में इस तरह के टेलीफोन हुआ करते थे, ये डायल सिस्टम होता था, डायल करके नंबर मिलाया करते थे। आप देख पाएंगे इस तरह से डायल करके नंबर मिलाते थे तो, और ये बेल, यहाँ पे बेल बजती थी ये। तो ये पता कैसे लग रहा है कि किस पे सेट सर है? सर ये यहाँ रुका हुआ है ना। अच्छा। ये वन में अंगुली डाल के यहाँ तक लाएंगे तो वन डायल हो गया। अच्छा। नाइन डायल करना है तो यहाँ से अपन लेके यहाँ तक लाएंगे तो नाइन डायल हो गया। अच्छा, वो जैसे इसको लेके आएंगे टर्न करेंगे ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से ये डायल सिस्टम है, टेलीफोन है, नया बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। इस टेलीफोन के साथ एक और पुरानी कहानी जुड़ी हुई है, वो भी अपन आज दर्शकों को दिखाएंगे। उससे भी पुराना मॉडल एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा टेलीफोन का, ये और भी ज्यादा पुराना मॉडल है टेलीफोन का। अच्छा, ये और भी पुराना है। इससे नानी को फोन करो, इससे नानी को करो। लगभग कितना पुराना होगा सर ये? सर ये वैसे तो नया बना हुआ है। अच्छा, लेकिन अच्छा। ये अंग्रेजों के टाइम के सभी इस तरह के मॉडल हुआ करते थे, मतलब वर्क में आते थे इस तरह के आइटम। तो ये इस पे एक पिक्चर भी बनी हुई है सर पूरी, तो इस पिक्चर में यूज हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पहले जैसे अभी लोग इनकम के लिए, बिजनेस के लिए कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, पहले बर्मा जाते थे। बर्मा का पुराना नाम था रंगून, तो रंगून जाया करते थे लोग इनकम के लिए। तो फिर इस फोन से आप एक पिक्चर में, पिक्चर का नाम नहीं ध्यान में आ रहा, लेकिन एक सॉन्ग था जिसको मैं थोड़ा सा आपको गा के भी सुना देता हूँ, मैं भी इंजॉय कर लेता हूँ, सिंगिंग भी कर देते हैं। ये है वर्किंग? हाँ, ये वर्किंग है सर। सर इसका नाम भी हुक्का मॉडल है। अच्छा, टेलीफोन हुक्का मॉडल। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसी से सब चीजें एक से एक जुड़ी हुई याद आ रही है। तो आप देखेंगे कि इस फोन का यूज किस तरह से कैसे हुआ था। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, कि तेरी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। क्या बात है। तो भाई साहब, इस तरह से मतलब एक प्रेमिका अपने प्रेमी को किस तरह से याद करती थी। अच्छा। तो वो सब यादें इससे ताजा हो जाती है, किस तरह का प्यार हुआ करता था। आजकल मोबाइल में अपन तुरंत बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप चलता रहता है। उस जमाने में फोन मिलाने में भी काफी टाइम लग जाता था, बहुत मुश्किल से फोन मिलता था। इसी के साथ अब अपन जब सॉन्ग की बात आ गई है तो सॉन्ग से जुड़ी हुई चीज फिर से दिखा देते हैं। ये है ग्रामोफोन, ग्रामोफोन पुराने जमाने का म्यूजिक सिस्टम, डीजे। अच्छा। पुराने जमाने में ब्याह शादी में यही एक इंटरटेनमेंट का साधन यही हुआ करता था। तो आप देखेंगे जिस वक्त बिजली नहीं हुआ करती थी, सेल नहीं हुआ करते थे, उस वक्त भी लोग इंजॉय करते थे। तो किस तरह से करते थे अपन आज देखेंगे। इस तरह से ये चाबी भर के और अपन इस म्यूजिक सिस्टम को चलाएंगे आज। अच्छा, चाबी भरनी पड़ती है इसमें? बिल्कुल सर, ये चाबी से चलता है, ये इसकी एनर्जी है। अभी देखते हैं सर, हनी सिंह तो नहीं चलेगा, पुरानी गाड़ी चलेंगे इसमें तो। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है। हाँ, ये इस तरह से अपने को यहाँ पे रखना है इसको। क्या बात है। समय की पाबंदियां हैं जो हमको पूरा म्यूजिक भी सुनने नहीं दे रही है। अपन देखेंगे कि आज आदमी कितना बिजी हो गया है, अपने गाना भी आराम से नहीं सुन पाए हैं। बहुत अच्छा लगता है इसको चालू करने के बाद, बंद करने का दिल नहीं करता। दो बार इसके पास हाथ करता हूँ फिर यूँ लगता है नहीं, एक लाइन तो और सुननी चाहिए अपने को, इतना मीठा और मधुर। तो ये म्यूजिक, ये इसमें मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिक आते हैं सर? ये इसकी सीडी कैसेट है। अच्छा, ये है, ये इसमें पुरानी है, बाकी सारा नया बना हुआ है ऐसा। अच्छा, हमारे पास पुराना भी है, हम सभी पुरानी चीजों की कॉपी करके नया बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दर्शकों को किसी भी तरह से मिसगाइड नहीं किया जाता जो नया है। मैं यहाँ पे जितने सामान देख रहा हूँ ये सब नए तरीके से बने हुए हैं, पुराने
ये नए बने हुए हैं, पुराने पुराने की कॉपी करके तैयार किए। नेक्स्ट अपन चलेंगे म्यूजियम में, जहाँ पे सभी चीजें अपने को पुरानी देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी कुछ चीजें पुरानी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इसकी सीडी कैसेट है जो पुराने जमाने की है, तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अनोखी रात पिक्चर का नाम है, अनोखी रात, हिज मास्टर वॉइस, और मुकेश, अच्छा मुकेश साहब का गाना है, वो गाया हुआ गाना है, सिंगर थे मुकेश साहब। तो बहुत ही अच्छा, देखिए आप पत्थर की ये सीडी बनती थी, पुराने जमाने की सीडी कैसेट है। आज फिर से सीडी आई तो अपन ने सोचा कि नया आविष्कार हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नया नहीं था, पुराने जमाने में भी सीडी थी। तो इस सीडी में कितने गाने? इसमें सिर्फ सर दो ही सॉन्ग होते हैं, एक इधर और एक इधर। इसके बाद में जो प्लेयर आया वो इलेक्ट्रिक प्लेयर था, उसमें 7 सॉन्ग इधर आए थे, 7 सॉन्ग इधर आए थे। अच्छा, तो इसकी कीमत क्या होती थी एक शीट की उस टाइम पे? सर उस टाइम पे तो कुछ पैसों में हुआ करती होगी, मेरे को इतना श्योर नहीं हूँ मैं। अब तो ये मिलने मुश्किल है, मिल जाएंगे सर? अब ये पुरानी हवेलियों में, किलो में, या फिर किसी कबाड़ी की दुकान पे मिल सकते हैं सर? वैसे नहीं मिलेंगे, संस्कृति को चीजों को दबा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसी चीजें मिलनी बहुत मुश्किल है, बहुत ही खोज के इनको इकट्ठा करना पड़ता है। बिल्कुल आपका सर, आपने मतलब इतना चीजें रखी हैं, मैं तो इतने भी देख के आराम हो गया, अभी तो म्यूजियम बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल सर।